महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा के द्वारा संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत पिपरिया नाई के खेरमाई मंदिर से पूजन पाठ के बाद केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केवलारी विधायक राकेश पाल, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश बघेल, जल उपभोक्ता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर श्रीवास्तव, लकी राय परसोत्तम शाक्यवर, कहानी मंडल अध्यक्ष राजा पटेल, पीयूष दुबे, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष शफीक पटेल एवं पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति में पैदल चलते हुए संकल्प यात्रा ग्राम पिपरिया नाई जिला सिवनी से आरंभ होकर मंझकबा देवघाट में भोजन के उपरांत संपन्न हुई। शमीन खान जी, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य श्री पीयूष दुबे जी सहित यहां पर उपस्थित बालाघाट के हमारे विस्तारक महोदय श्री नवल श्रीवास्तव सहित उपस्थित कहानी के मंडल के अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष श्री राजा बघेल सहित राजा अरे यार ये आज गड़बड़ हो रहा है सहित उपस्थित सभी ग्रामीण पिपरिया से प्रारंभ हुए और इस प्रारंभिक अवसर पर हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राकेश पाल जी, भाई मुकेश जी या लाल सिंह जी, नीत जी, हमारे कपति जी नवल भाई, हमारे जी मंडल अध्यक्ष राजा भैया, हमारे सभी यहाँ पर मुख्य साथी 2 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ हुई। पूरे देश भर में जब ये यात्रा प्रारंभ हुई थी 2 तारीख को दिल्ली से, इस यात्रा को मैं हरी झंडी दिखा करके यहाँ से लोग 10,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। समापन में मैं भी वहाँ पहुंचूंगा। देवघाट मझगांव तक की यात्रा चलेगी। अवसर पर जब पूरे देश में यात्रा इसी रूप में किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी गांव में कस्बे के अंदर प्रतिदिन ये यात्रा चल रही है और इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आज के इस आत्री बना पहली बार ये विभाग बना और एक दूसरा विभाग हमारे जो आदिवासी क्षेत्र में विशेषकर भारत में विभाग उस समय अटल जी ने बनाया, तब ये अनुभव आया देश में कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में जो हम अनुभव कर पा रहे हैं कि वास्तव में आज गांव गांव तक पहुंचने का, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाँव को मुख्य मार्गों से, विकास खंडों से, जिला मुख्यालयों से जोड़ने की योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से किया। और आज मैं धनोरा के अंदर कह सकता हूँ, कोई भी धनोरा गांव ग्राम पंचायत ऐसा नहीं होगा, पूरा सिवनी जिला ऐसा नहीं होगा जिस ग्राम पंचायत को सुविधाएं उनको पूरा करने के दृष्टि से इस काम को अपने हाथ में लिया और आज लगभग पूर्णता की स्थिति में है। और इसलिए मैंने कहा कि 22 तक पूरे देश के लोगों को यह एहसास होना चाहिए।